हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उपचुनाव में भाजपा की प्रचंड विजय, बसंती ने 186 मतों से कांग्रेस को किया धाराशाही। पंचायती राज के बाद निकाय चुनाव में जनता ने पुनः निर्दलीय विधायक को नकारा, इन्होंने एड़ी चोटी का लगाया था जोर। शहर भाजपा अध्यक्ष नगर परिषद सिरोही के वार्ड संख्या 29 में हुए उपचुनाव मतगणना परिणाम में भाजपा की दिव्यंगत पार्षद स्व हंजा देवी की पुत्र वधु श्रीमती बसंती पटेल ने 186 वोट के अंतर से कांग्रेस की कोकू देवी को करारा शिकस्त दी। इस जीत पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल ने आम जन एवं मतदाताओं का आभार प्रकट कर कहा कि परिणाम पार्टी पर जनता के विश्वास के साथ आशा व आशंकाओं को दर्शाता है और निर्दलीय विधायक के पूरे दमखम लगाने के बावजूद जनता ने उन्हें पंचायती राज चुनाव के बाद दूसरी बार नकार कर आने वाले समय का संकेत दिया है। जो ही चुनाव परिणाम घोषित हुए, वार्ड के लोगों, भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आमजन ने जमकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर विजय जुलूस को संबोधित करते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल ने कहा कि आए दिन अखबारों की सुर्खियों में रहने वाले निर्दलीय विधायक को जनता ने दूसरी बार संदेश देकर ये जता दिया है कि उनकी कार्यशैली और विकास का झूठा ढिंढोरा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लोगों ने भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और उनकी जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता का विश्वास साबित हुआ है। इसी प्रकार जिला उपाध्यक्ष नारायण देवासी ने कहा कि सत्ताधारी दल व उनके निर्दलीय विधायक के झूठे विकास के दावे और वादा खिलाफी पर वोट के रूप में लोगों ने आक्रोश प्रकट किया है। पार्षद सुरेश सगरवंशी ने अपने संबोधन में निर्दलीय विधायक को आड़े हाथों लेकर कहा कि मुख्यमंत्री के सलाहकार ने स्वयं वार्ड चुनाव में घर घर दस्तक देकर येन केन प्रकरण मतदाताओं पर दबाव की राजनीति करके जीत के भरसक प्रयास किए, लेकिन उन्हें जनता ने नकार दिया। विजय जुलूस के दौरान लोमड़े समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद सहित कांग्रेस निर्दलीय के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बसंती ने मतदाताओं का जताया आभार, ढोल थाली के साथ घर घर पहुंची। नवनिर्वाचित पार्षद बसंती पटेल ने जीत के बाद कृष्णपुरी स्थित वार्ड 29 में विजय जुलूस के साथ गलियों में घूमकर सभी मतदाताओं, बुजुर्गों, महिलाओं द्वारा जीत का आशीर्वाद देने का आभार जताया। वे डीजे ढोल थाली पर नाचते झूमते समर्थकों के साथ नगर परिषद पहुंची। इसके बाद नवनिर्वाचित पार्षद ने उपखंड अधिकारी के समक्ष पार्षद पद की शपथ ग्रहण की। नवनिर्वाचित ने सभी का मुंह मीठा कराया। संगठन ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को दिया। इस मौके पर जीत की खुशियों में शरीक होने पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित ने नवनिर्वाचित पार्षद को बधाई देकर शुभकामना दी। पुरोहित ने नगर मंडल कार्यकर्ताओं की सुदृढ़ रणनीति, कुशल नेतृत्व के लिए अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल को जीत का श्रेय देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करके नगर के कार्यकर्ताओं ने जनता से अटूट रिश्ता बनाया, जिसके परिणाम सुखद आए हैं। उन्होंने स्व हंजा देवी की वार्ड के लोगों बीच बनाई उनकी उज्जवल छवि, सेवा सदा कार्य को भी याद किया। इनकी रही उपस्थिति, भाजपा प्रत्याशी की जीत की खुशी के मौके पर प्रदेश सदस्य वीरेंद्र सिंह चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष महिपाल सिंह चारण, महिला मोर्चा महामंत्री हेमलता पुरोहित, भाजयुमो जिला अध्यक्ष गोपाल माली, पार्षद महामंत्री प्रवीण राठौड़, मनी देवी माली, चुन्नी देवी पटेल, महामंत्री वीरेंद्र एम चौहान, जब्बर सिंह चौहान, विजय पटेल, प्रकाश पटेल, दमयंती डाभी, अजय भट्ट, महेंद्र माली, हरि किशन रावल, कपूरा राम पटेल, अशोक पुरोहित, कन्हैयालाल पटेल, अशोक मीना, अनिल प्रजापत, नारायण माली, रेखा सुतार, कंचन राव, रेखा जी नगर, ज्योत्ना सुधार, गौरव काशिवा, सुरेश हरिजन, सुनील गुप्ता, दिनेश प्रजापत, हिमांशु वागिला, संतोष पटेल, हस्तु देवी, मंजू माली, शंकरलाल पटेल, जितेंद्र सुथार, इंदर सुथार, नरसिंह रावत, फल सिंह सहित बड़ी तादाद में समर्थक मौजूद थे। जागरूक टीवी की सिरोही से खास रिपोर्ट।